Well, the rift between Anna Hazare and Arvind Kejriwal's party is now out in the open. At Anna's fast venue in Raligarh Siddhi, General V.K. Singh took a clear jibe at Arvind Kejriwal, saying that some people deserted Anna Hazare's cause. Present at the venue, Aam Aadmi Party member Gopal Rai objected to the jibe, but Anna Hazare himself then stepped in, asking the Aam Aadmi Party leader to listen to the speaker or leave the venue. आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? गोपाल जी यादव जी को भी बोलने को मौका दिया जाएगा। वाद विवाद करना है तो बाद में करिएगा। यादव जी, आपसे विनती है, कृपा करके आप सुनिए उनकी बात, बाद में आपकी बात रखिए। आप यादव जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, पहले इनकी बात सुने। तो गोपाल राय जी, आपको सुनिए, अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए। ठीक है ना? तो मैं यादव जी साथ हूँ, कर दिया जाएगा प्लीज। अगर आपको गलत फहमी है तो अपने गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बात मत निकालिए गलत फहमी को। ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए। ठीक साहब, आपने चलो यादव जी, थोड़ी देर के लिए आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, रुकिए थोड़ा। देखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं मजाक हो रहा है। गोपाल राय जी, आप बैठिए। अरे आप बैठिए ना, अन्ना जी बात कर रहे हैं, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना, लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है, बीच में सभा भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया था, कल अन्ना ने तय किया था कि यहाँ पर केवल जन लोकपाल की बात होगी, लेकिन अभी जिस तरह से वीके सिंह जी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये मंच आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सबके मिलने का है, सबके जुड़ने का है और जन लोकपाल का लक्ष्य हासिल करने का है। इसलिए अन्ना ने जो कहा है, मैं रालेगंज छोड़ रहा हूँ, अनशन मेरा जारी रहेगा और मैंने अन्ना से अपील की है कि जिस जन लोकपाल के लिए 5 अप्रैल से पूरा देश लड़ रहा है वो जन लोकपाल जरूर हासिल होगा। I met Anna ji just now and what impression I get gather, that is Anna is very sad, he is weeping inside and he thinks that what BJP and Congress could not harm his prestige with Aam Aadmi Party, this is my version, Aam Aadmi Party is doing to harm his entire prestige because Anna one time loved these people, so now he is very sad from inside and he is not saying anything, his throat is chopped. So this is very bad and I think what Anna ji is feeling, I mean at this stage, fourth day of his fast unto death or independent fast, whatever we can call it, it's bad. We all are hurt. Ramlila Maidan mein Pradhan Mantri ji ki chitthi mein jo teen baatein, तीन वादे अन्ना जी को किए गए थे, वो वादों से सरकार मुकर गई। 29 दिसंबर को जो लोकपाल राजनीति प्रसाद ने फाड़ा था राज्यसभा में और जिसको सब लोगों ने खारिज किया था, पूरे देश ने खारिज किया था, वो लोकपाल फिर से पारित करने की साजिश रची जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं और कुछ लोग कांग्रेस और बीजेपी के कुछ एजेंट अन्ना जी को ये समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये अच्छा लोकपाल है, कुछ काम चलाओ लोकपाल है। हम अन्ना जी से भी निवेदन करेंगे कि इनके झांसे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, ये लोग देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और देश के ऊपर एक बहुत कमज़ोर लोकपाल मरने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है उसमें।